अच्छे हो। चलिए, आपकी अध्यापिका जी भी अच्छी हैं। तो आज आप लोग को पढ़ने की इच्छा हो रही है? हाँ, जरूर हो रही होगी। अब आज आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी टेक्स्ट बुक यानी हिंदी की किताब, ठीक ना, क्लास वर्क, रफ बुक, ठीक ना, और अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, है ना। हाँ, तो आपको मैं बस थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। अब आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक अपने पास रख लोगे, ठीक है, क्लास वर्क रफ बुक ले लिए। हाँ, अब आप क्या करोगे, पृष्ठ संख्या 24 यानी पेज नंबर 24, पृष्ठ संख्या 24 यानी पेज नंबर 24 निकाल लिए। हाँ, इस पाठ का नाम क्या है, भारत का लाल। इस पाठ का नाम क्या है, भारत का लाल, यानी कि हमारे भारत देश के जो बेटे हैं उनके बारे में कहा गया है। इस पाठ में आप जानिएगा कि हमारे देश में बहुत ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इस पाठ में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनसे जुड़े एक रोचक प्रसंग का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग दिखाता है कि किस प्रकार महानता के गुण उनमें बचपन से ही दिखने लगे थे। इस पाठ में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में बताने जा रही हूँ उनका जीवन कैसा था और उनके उन्हें बचपन से ही अच्छे काम करने की आदत थी। उनको देख के ऐसा लगता था कि हाँ, ये एक महान व्यक्ति बनने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य बचपन से वे करते चले आ रहे थे। एक ऐसे प्रसंग के बारे में, उनके जीवन से संबंधित एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताया गया है जो कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। वर्षा के दिन थे यानी बारिश का मौसम था, वर्षा यानी बारिश। गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा हैदराबाद में बारिश की वजह से पूरा पानी पानी हो गया था, है ना, बहुत लोगों के घरों में पानी चला गया था। आप लोग देखे होंगे, न्यूज में देख रहे थे कि गाड़ियां में डूब गई, कहां से कहां चली गई और आदमी, बहुत सारे आदमी भी मर गए। तो वही कह रहे हैं कि गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। किस नदी में बाढ़ आई हुई थी, गंगा नदी में, गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक बालक नदी के किनारे उदास बैठा था, एक छोटा बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा था, चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। उसे नदी के पार जाना था, उसे कहाँ जाना था, नदी के दूसरी ओर जाना था, किंतु नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिस बोट में, जिस नाव में वो नदी पार करता उसको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो कैसे जाते, पैसे, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको ऑटो से जाना है, बस से जाना है, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो ऐसे लेके आपको नहीं चला जाएगा, है ना। तो वो बच्चा उदास बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ था, तो नाव पर बैठने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बालक यानी बच्चा, बालक, बालक यानी बच्चा। उस लड़के के मित्र बोले, तू चुपचाप नाव में बैठ जा, नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा। एक उसका जो दोस्त था वो कहता है, एक काम करो, तुम चुपचाप नाव में बैठ जाओ, नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा, नाव वाले को पता नहीं चलेगा, तुम नाव में ही बैठ जाओ। मित्र यानी दोस्त, मित्र यानी दोस्त, मित्र उसका जो था
वो बेचारा नहीं चाहता था कि हम लोग जाओ मेरा दोस्त नहीं जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था। इसलिए वो क्या बोलता है कि तुम नाव में बैठ जाओ, नाव चलाने वाले को केवट बोलते हैं, नाव चलाने वाले को केवट बोलते हैं। तो कहता है कि नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो बालक ने क्या कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। बालक क्या कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरे लोगों ने भी कहा, बच्चे नाव में बैठ जा, तेरे पास अब दूसरे लोग जो थे वे लोग भी उसे यही सलाह दे रहे हैं कि तुम नाव में बैठ जाओ, तेरे पास पैसे नहीं है ना, क्या होगा, तुम नाव में बैठ जाओ, तुम्हारे बदले पैसे हम लोग दे देंगे। बालक ने कहा धन्यवाद। वह किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता था। वो बालक जो था उसने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। वर्षा के दिन थे,
नहीं थे। उस लड़के के मित्र बोले, तू चुपचाप नाव में बैठ जा। उस लड़के के मित्र ने बोला कि तुम चुपचाप नाव में बैठ जा। नाव वाले को पता भी नहीं चलेगा, नाव वाले को पता नहीं चलेगा। बालक ने कहा, मैं चोरी नहीं करूंगा। तब बालक ने क्या कहा, मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरे लोगों ने भी कहा, बच्चे नाव में बैठ जा, तेरे पैसे हम दे देंगे। बालक ने कहा, धन्यवाद, वह किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता। वह किसी का एहसान भी लेना नहीं चाहता था। नाव चली गई और बालक तट पर अकेला रह गया। बालक जो था वह तट पर अकेला रह गया। धीरे धीरे शाम होने लगी, धीरे धीरे शाम होने लगी। आखिर उसने अपने कपड़े उतारे। उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार लिए। फिर उन्हें अपने सिर पर रखकर नदी में कूद पड़ा। फिर उसे अपने सिर पर रखा और नदी में कूद पड़ा। देखते ही देखते वह तैर कर दूसरे किनारे जा पहुंचा। देखते ही देखते वह तैर कर दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। कौन, तो छोटा सा बालक। क्या आप जानते हैं यह स्वाभिमानी और साहसी बालक कौन था? यह बालक आगे चलकर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए और इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ वो सुनिएगा। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वो छोटे थे उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अनेक कष्ट सहते हुए वे आगे बढ़ते गए और अपने गुणों के बल पर भारत के प्रधानमंत्री। बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। किन्हें? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे, तो उनका पालन पोषण उनकी माँ ही कर रही थी, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद वे अपने गुणों के बल पर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और आगे बढ़ते रहे, अच्छे कार्य करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। और एक समय ऐसा आया कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उनका रहन सहन जो था वो सादा था, बहुत ही सिंपल था, साधारण था, परंतु उनके विचार जो थे बहुत ही ऊंचे थे। उनकी सोच जो थी वो बहुत ही ऊंची थी। उनकी वाणी जो थी बहुत ही अच्छी थी। किसी के लिए भी उनके मुंह से अच्छे शब्द ही निकलते थे। वे सच्चे, परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। वे कैसे व्यक्ति थे? वे सच्चे, परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। 10 जनवरी सन 1966 को इस महापुरुष का देहांत हो गया। 1904 में उनका जन्म हुआ और 1966 यानी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। युगों तक ना केवल भारत के लोग बल्कि सारी दुनिया के लोग, युगों तक ना कि केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें सम्मान से याद करते रहेंगे। उन्होंने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये नारा किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जो हमेशा हमें संघर्ष करने और प्रगति की राह पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जो हमें संघर्ष करने और प्रगति की राह पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वो उनका नारा जो था और उनके विचार, उनका जीवन काल जो
की राह में यानी विकास की राह में चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनकी सोच जो थी बहुत ही अच्छी थी। अच्छी तरह से लिख करके रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।